नमस्कार। इन संसार में हम सब सफलता, मान सम्मान और लोकप्रियता चाहते हैं, साथ ही में हम खुशियाँ, मन की शांति और चिंताओं से मुक्ति भी चाहते हैं। मन सुगंध की इन टॉक सीरीज में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम ये सब पा सकते हैं नैतिकता और धार्मिकता के दायरे में रहकर, और हमारी धार्मिक पुस्तकें हमें प्रतिदिन का जीवन जीने में कैसे सहायता करती हैं। किसी शायर ने कहा है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत, करेज, साहस, इसकी हमें कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है। एक नन्हा सा बच्चा जब पहले दिन पाठशाला जाता है, हमें कोई एग्ज़ाम देना है या इंटरव्यू देना है या कोई बड़ा काम करना है, जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, यहाँ तक कि शादी का प्रस्ताव रखने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। वही लोग संसार में सफल हो पाते हैं जो अपने फैसले साहस से लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। प्रायः हम सोचते हैं कि बड़े शरीर वाले ताकतवर लोग ही साहसी होते हैं, परंतु साहस एक मन की अंदरूनी शक्ति है। जिनके पास ये मन की शक्ति होती है, वह बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना या चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इतिहास में देखा गया है कि बहुत ही कई बार निर्धन वर्ग के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोगों ने बड़ी बड़ी शक्तियों का मुकाबला किया है। भारत की स्वतंत्रता भी लोगों के साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की कहानी थी, वरना उस समय अंग्रेज़ों की शक्ति का अहिंसा के बल पर मुकाबला करना असंभव था। महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने साहस के बल पर ही बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। और भी देशों में लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई साहस के साथ ली, हालांकि बहुत सी जानें भी गंवानी पड़ी। टीवी में आपने विज्ञापन देखा होगा, डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा, परंतु डर का मुकाबला करना, साहस और दृढ़ निश्चय ही आपको आपके सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकता है। कई बार अपने ध्येय को पाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। आपने पाठशाला में स्कॉटलैंड के राजा किंग ब्रूस की कहानी सुनी होगी। एक बार दुश्मन से बुरी तरह हार कर राजा ब्रूस एक गुफा में जा छुपे। वहां उन्होंने एक मकड़ी को बार बार गिरकर और उठकर जाला बुनते देखा। इससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने फिर से अपनी सेना को एकत्र किया, दुश्मन का मुकाबला किया और अपने सिंहासन को हासिल कर किया। हालांकि उसके लिए भी उन्होंने बार बार युद्ध करा। पिछले दिनों मैं एक मूवी देख रही थी, दंगल, आपने बहुत से लोगों ने देखी होगी। एक पिता का अपनी पुत्रियों को एक पहलवानी जैसे नॉन कन्वेंशनल स्पोर्ट में डालना, उसका सामाजिक, आर्थिक और सरकारी मुश्किलों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। ऐसे साहसी स्त्री पुरुषों को मेरा सलाम। बाइबल धर्मशास्त्र में पहला सैमुएल और 17 अध्याय में डेविड और गोलायत की कहानी आती है। दुश्मन की सेना में गोलायत नामक एक बहुत बड़ा दानव होने के कारण वह जीत रहे थे और डेविड ने कहा कि वह उस दानव का मुकाबला करेगा। हालांकि उसको युद्ध का कोई प्रशिक्षण नहीं था, वह कदकाठी में भी उस दानव से बहुत छोटा था, परंतु उसने कहा कि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है। युद्ध के मैदान में डेविड ने एक स्लिंग जैसा एक अस्त्र लिया, उसके अंदर एक पत्थर रखा गुलेल जैसे अस्त्र में, और जब उसने उसको घुमा के दानव की तरफ फेंका तो वह इतनी जोर से दानव के माथे पर लगा कि वह वहीं ढेर हो गया। यहाँ डेविड के साहस ने और उसके परमेश्वर के विश्वास ने उसको जीत दिलाई। आइए हम थोड़े से टिप्स देखते हैं जो हमें साहसी बने रहने में और अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ने में हमें सहायता करेंगे। नंबर एक है दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जो भी आपका ध्येय या लक्ष्य है, उसके लिए आपका इरादा पक्का होना चाहिए, वरना एक दो बार अगर आप फेल हो गए तो आप उसे छोड़ देंगे। नंबर दो है सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। अपनी काबिलियत पे, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नंबर तीन है डिसिप्लिन या अनुशासन। हर कार्य को करने के लिए
एक डिसिप्लिन या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपके कागज़ बिखरे पड़े हैं या आपको चीज़ों का पता ही नहीं है कि कहाँ हैं, तो सफलता भी आपसे दूर ही रहेगी। नंबर 4 है प्लानिंग या तैयारी। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, या मीटिंग लेनी है, या किसी यात्रा पे जाना है, तो पहले से ही उसकी तैयारी करिए ताकि आपका वह कार्य अच्छी तरह से सफल हो सके। नंबर 5 है परमेश्वर पर भरोसा। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी विनती, अपनी इच्छा या अपनी मुराद को रखिए। यदि आपका इरादा नेक है तो परमेश्वर भी, ऊपर वाला भी आपकी अवश्य सहायता करेगा। इन हथियारों का एक कमरबंद बांध के आगे बढ़िए और आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे। अंत में मैं श्री हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उसकी केवल 4 पंक्तियाँ आपने शायद पहले सुनी भी होगी और ये श्री अमिताभ बच्चन की फेवरेट कविता है। केवल 4 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि साहस के साथ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। नमस्कार।